जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नवी मुंबई, जब असुरक्षता बढ़ती है तो लोग हिंसक हो जाते हैं और अधिक हिंसक बोलते हैं सुषमा अंधारे। ठाकरे समूह की नेता सुषमा अंधारे जो नवी मुंबई में भीमोत्सव जयंती कार्यक्रम में भाग लेने आई थी, MNS प्रवक्ता और देवेंद्र फडणवीस के गुलाबराव पाटिल की अच्छी तरह से बात की। गुलाबराव पाटिल को वास्तव में कोशिश करनी चाहिए, हम उन्हें अपनी क्षमता को परखने का मौका दे रहे। जब असुरक्षता बढ़ती है तो लोग हिंसक हो जाते और अधिक हिंसक रूप से बोलते, ऐसी आलोचना सुषमा अंधारे ने की थी। इसलिए मन से प्रवक्ताओं को आलोचना का एक वाक्य में जवाब देते हुए, मैं प्यादों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पत्र का जवाब देने में उत्साह देखना मजेदार है। इतनी बद्दी आलोचना करने के बाद देवेंद्र फडणवीस अजित पवार को शुभकामनाएं दे रहे, यानी उन्होंने हार मान ली। गुजरात के अखबार में एकनाथ शिंदे के जाने की खबर सच है। इसका एक और मतलब यह है कि महाविकास आघाड़ी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा और शिंदे गुट विपक्ष पर कहीं नहीं टिकेगा। फडणवीस ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसका मतलब यही है कि ऐसी आलोचना सुषमा अंधारे ने की है। जलगांव, हमने एक भव्य और ऐतिहासिक समारोह देखा है संजय राउत। जलगांव जिले में एक गुलाबो गैंग सामने आया, अफजल खान से भी खतरनाक है ये गुलाबो गैंग। शिवसेना प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने आज यहाँ लूटपाट करने वाले इस गुलाब गिरोह को खत्म करने का संकल्प लेने की अपील की। डिप्टी मेयर कुलभूषण पाटिल की परिकल्पना से जलगांव शहर के पिंपराला इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारोही प्रतिमा साकार हो रही है। सांसद राउत इस प्रतिमा के भूमि पूजन के अवसर पर बोल रहे थे। सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि यह आयोजन कड़ी धूप में हो रहा है, लेकिन डिप्टी मेयर कुलभूषण पाटिल ने न सिर्फ मंच पर छाया डाली है कि बल्कि आम आदमी के सिर पर छत भी डाल दी है। उन्होंने श्री सदस्यों की मौत पर शिंदे सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अन्यथा वह मंच पर मर जाएंगे और लोग धूप में सड़ गल कर मर जाएंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना का गठन छत्रपति शिवाजी महाराज को ध्यान में रखकर किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का धर्म है। कुलभूषण छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय कवि थे। कुलभूषण ने कविता के माध्यम से राजाओं के महत्व को चित्रित किया। आज यह प्रतिमा कुलभूषण की अवधारणा से खड़ी है। कुलभूषण शिव का महान कार्य कर रहे, कार्यक्रमों में घुसने की बात हुई है, देखते हैं कौन घुस रहा है। कुलभूषण, तुम जलगांव जिले की इस गुलाबो गैंग से लड़ना चाहते हैं? सांसद राउत ने जलगांव जिले से इस गुलाबो गैंग को खत्म करने की अपील की। साथ ही सांसद राउत ने अंत में कहा कि जब भी यह अश्वारोही स्मारक बनकर तैयार होगा, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान उद्धव ठाकरे को उद्घाटन के लिए लाया जाएगा। बुलढाणा, अनाम आकाश फुंडकर ने मुस्लिम भाइयों को गुलाब का फूल देकर रमजान की ईद की मुबारकबाद दी। पवित्र रमजान ईद के मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष व आकाश फुंडकर ने मुस्लिम भाइयों को बधाई दी। जिला अध्यक्ष व आकाश फुंडकर ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ मुस्लिम भाइयों को गुलाब का फूल देकर गले लगाकर बधाई दी और रमजान ईद की मुबारकबाद दी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ट्यूब ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।